आप सभी का स्वागत है लर्न क्विकली चैनल पे। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने विंडोज में फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ए टू जेड सारे फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएंगे, चाहे फाइल का नाम हो या सॉफ्टवेयर में नेम हो, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप किसी भी विंडोज में फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो विंडो 10 हो, 11 हो, 7 हो या 8.1 हो। कौन सा भी विंडो आप सब में अपना फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल चेंज है OBS स्टूडियो का, चाहे जूम हो, चाहे फोल्डर हो कोई। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे फॉन्ट स्टाइल चेंज है। आप देख रहे हैं मैं ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे डेटा मॉडिफाई, जो उसमें डेट टाइम आ रहा है वो भी फॉन्ट स्टाइल चेंज है। तो ये मैंने कैसे किया वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका फॉन्ट स्टाइल चेक करना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा फॉन्ट स्टाइल है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है, सर्च पे क्लिक करके। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे व्यू बाय लार्ज आइकन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट्स में जाना है। फॉन्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर इतने सारे फॉन्ट के स्टाइल दिखाई देंगे। तो आपको इसमें से जो अच्छा लगता है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ से डायरेक्ट चेंज नहीं होता। उसके लिए मैं आपको एक कोड देने वाला हूँ, आपको वो कोड रन करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। तो वो कोड कौन सा है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमारे पास दो कोड है। अगर आपको आपके विंडो में फॉन्ट चेंज करना है तो आपको ये कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से इतना, और न्यू नोट पैड में पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट का नाम डालना है, जहाँ पर लिखा है न्यू फॉन्ट नेम। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉन्ट का नाम कैसे डालते हैं। आपको कंट्रोल पैनल ओपन करके रखना था। तो इतने सारे फॉन्ट्स में आपको जो फॉन्ट अच्छा लगता है आप वो फॉन्ट को रिव्यू कर सकते हैं, और उस फॉन्ट का नाम उस जगह पर डालना जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था। तो सपोज मैं यहाँ पे से कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ रिव्यू करके। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि फॉन्ट नेम आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, स्क्रिप्ट एमटी बोल्ड। तो आपको यही नाम लिखना है वहाँ पर, लिख के दिखाता हूँ। स्क्रिप्ट पेस एमटी बोल्ड, स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए आपका। स्पेलिंग करेक्ट नहीं रहेगा तो फॉन्ट स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। नाम यहाँ पे लिखना है और इसे सेव एज करना है। सेव एज करते समय आपको यहाँ पर टाइप ऑल सेलेक्ट करना है और वही फॉन्ट का नाम डालना है, स्क्रिप्ट एमटी बोल्ड डॉट REG देना एक्सटेंशन में, और सेव करना है। REG सेव करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और आपको इसे राइट क्लिक करके मर्ज पे क्लिक करना है। और मर्ज पे क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है रिस्टार्ट होने में, तो एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा तो आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब आपको फॉन्ट स्टाइल वापस नॉर्मल लेके आना है, तो आप कैसे करोगे उसके लिए भी कोड है हमारे पास, जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ अभी फिलहाल, आपको वाला कोड दिखाता हूँ जिससे हम अपना फॉन्ट स्टाइल वापस मिल जाएगा हमें। ये नीचे दिख रहा है आपको, ये इतना आपको कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक, और पेस्ट करके इसे सेव करना है टाइप ऑल करके default.erg। और सेव करने के बाद आपको फिर ओपन करना है जहाँ पे आपने इसको सेव किया था डिफॉल्ट में। तो इसी तरह आपको इसे रन करना है, राइट क्लिक करके मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आपको एस नो का ऑप्शन आएगा इस तरह से, तो आपको यस पे क्लिक करना है और सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। जैसे हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे वापस अपना डिफॉल्ट स्टेट में आ जाएगा फॉन्ट वाला स्टाइल। तो मैं अभी रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, आपको रिस्टार्ट होने के बाद मैं दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि सारा विंडो का फॉन्ट्स जो है नॉर्मल हो चुका है, जैसे विंडोज के साथ आता है। आपको मैं सारा दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो ये यूजफुल लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।